नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज का मेरा टॉपिक है यूरिया निर्माण की क्रियाविधि। पिछली वीडियो में हमने नेफ्रॉन की संरचना के बारे में जान लिया था कि नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं और वहां पर क्या क्या कार्य होता है। इस वीडियो में हम कार्य विधि के बारे में जानेंगे, यानी जो यूरिया है जो हमारी यकृत में निर्मित होता है। हमें पता है यकृत होता है वो क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, क्योंकि उसको पता है कि जो अमोनिया है हमारे शरीर में, जो अमोनिया निर्माण होता है वो अमोनिया हमारे शरीर के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। तो लीवर क्या करता है, उस अमोनिया को तो ग्रहण करता है और उसे बदल देता है कम खतरनाक में, यानी अधिक खतरनाक अमोनिया को कम खतरनाक यूरिया में बदल देता है। अब ये यूरिया किस में डाल देता है, रक्त में डाल देता है, ये तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब यूरिया जो है वो कहाँ पर डाल देता है, रक्त में डाल देता है, यहाँ पर रक्तवाहिनी होती है उसमें डाल देता है। अब ये रक्तवाहिनी घूम घाम कर कहाँ जाती है, हमारी किडनी में जाती है, और किडनी में हमारी फैक्ट्रीज चलती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। वो एक प्रकार की फैक्ट्री तो है, क्योंकि वहां पर यूरिया का निर्माण हो रहा है। एक वृक्क में यानी एक किडनी में लगभग 10 लाख फैक्ट्रीज होती हैं, यानी 10 लाख न्यूरॉन्स होते हैं, सॉरी 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, और दूसरी किडनी में भी 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। इस तरह से 20 लाख नेफ्रॉन्स यानी 20 लाख जो फैक्ट्रियाज हैं वो क्या करती हैं, उस रक्त से यूरिया को अलग करती हैं और उसे डाल देती है जल में, और उसको समय समय पर बाहर त्याग दिया जाता है। अब इसमें हमने पढ़ा है ये जो रीनल आर्टरी जाती है, वृक्क धमनी जाती है, ये आगे जाकर अभिवाही धमनिका में बदल जाती है, यानी एफ्रियोंट आर्टरील में बदल जाती है। जैसे यहाँ पर ये इसके अंदर प्रवेश की वृक्क धमनी। अब यहाँ पर हमें पता है कि दो भाग होते हैं, मेड्यूला पिरामिड होते हैं यहाँ पर। अब ये पिरामिड के बीच में से ये धमनी निकलकर इस तरह से जो 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं उस तक हर एक धमनिका पहुँच जाती है। तो आप समझ गए होंगे ये बहुत छोटा डायग्राम है तो यहाँ पर बना नहीं सकते इस नेफ्रॉन को, तो आप समझ गए होंगे। तो ये जो एक धमनिका जा रही है, अब यहाँ पर हम बड़ा डायग्राम बना रहे हैं, अब ये एक धमनिका जुड़ी हुई होती है किससे, नेफ्रॉन से। तो यहाँ पर ये बना लेती है सबसे पहले ग्लोमेरुलस, ये कैपिलरीज में बट जाती है, यानी जो अभिवाही धमनी है, सॉरी अभिवाही धमनिका है, क्योंकि धमनी तो नहीं कह सकते, धमनी तो बड़ी होती है। और हमने जब धमनी शिरा वगैरह पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि जो धमनी के छोटा रूप होता है उसे हम धमनी का कहते हैं, तो ये बहुत छोटे रूप है धमनी की, तो इसे हम कहते हैं अभिवाही धमनी। अब ये आगे जाकर कैपिलरीज में यानी केशिकाओं में टूट जाती है। अब यहाँ पर केशिकाओं में टूट जाती है और केशिकाओं में लीकेज होते हैं जहाँ से यूरिया और जल निकल जाता है, तो ये आगे जाकर किस में बदल जाती है, अपवाही धमनी। अब ये जो अपवाही धमनी है ये इसकी तुलना में थोड़ी छोटी होती है, ये थोड़ी बड़ी होती है और ये थोड़ी छोटी होती है। अभी हम समझेंगे कि ये बड़ी और छोटी क्यों होती है। तो यहां पर ये हो गया ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और ये वाली हो गई अपवाही धमनी। ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसके नीचे होता है बोमेन संपुट, यहाँ पर हम बोमेन संपुट बना लेते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं इसे। अब ये आगे जाकर किसका निर्माण कर लेता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, सॉरी समीपस्थ कुंडलित नलिका, और ये समीपस्थ कुंडलित नलिका जब आगे जाती है तो हेनले के लूप में बदल जाती, ये हमारा हो गया हेनले का लूप। अब हेनले का लूप आगे जाकर किसमें बदल जाता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में। तो इस संरचना से तो सब परिचित हैं, अब इसमें होता क्या है। अब यहां से ये रुधिर किसके अंदर प्रविष्ट हुआ है, अभिवाही धमनी में प्रविष्ट हुआ है। अभिवाही धमनी में जो रक्त प्रविष्ट होता है वो आगे जाकर कैपिलरीज में बढ़ जाता है, जैसे यहां पर से जो रक्त है वो कैपिलरीज में आ गया। अब हमें पता है कि ये जो अपवाही धमनी का है ये इसकी तुलना में थोड़ी सकड़ी होती है, इसका व्यास कम होता है, तो व्यास कम होता है तो यहां पर प्रेशर बनेगा, सीधी सी बात है, यहां से रक्त तो ज्यादा घुस रहा है क्योंकि ये बड़ी है और निकल कम रहा है, तो यहां पर प्रेशर दबाव बनेगा। और हमें पता है ये जो कैपिलरीज होती है ये केवल सिंगल लेयर्ड होती है, यानी एक ही कोशिका पाई जाती है, और इसके साथ ही केशिकाएं होती हैं, ये कैसी होती हैं, लीकेज होती हैं, यानी इनमें लीकेज होते हैं।
तो जब प्रेशर बनेगा और यहाँ से लीकेज होगा तो रक्त के अंदर जो प्लाज्मा, यूरिया, आयंस और ग्लूकोज हैं वो किस में आ जाएंगे? ग्लोमेरुलस में, सॉरी बोमेन संपुट में आ जाएंगे। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई कि यहाँ से जो रक्त आता है वो आ जाता है, उसके बाद में जा नहीं पाता है, जितना रक्त आया है उतना जा नहीं पाता है क्योंकि ये सक्रिय होती है। तो इसके जो ये ग्लोमेरुलस होता है इसके अंदर दबाव बनता है और उस दबाव के कारण इसके अंदर जो लीकेज होते हैं उनके कारण जल प्लस यूरिया प्लस आयन और इसके साथ ही ग्लूकोज भी आ जाता है। तो ग्लूकोज को हम दर्शा देते हैं इससे। अब ये जो क्रिया होती है यहां पर इसको हम कहते हैं परानिसंयंदन। तो पहली क्रिया हो गई परानिसंयंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इसे निस्यंदन क्यों नहीं कहते हैं, परानिसंयंदन क्यों कहते हैं? क्योंकि निस्यंदन यानी जो फिल्ट्रेशन होता है वो तो सीधा होता है, जैसे हम कोई छलनी रख देते हैं और उसके ऊपर से यदि जल डालते हैं तो वो छन जाता है, तो इसे तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, इसे तो हम फिल्ट्रेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर है परानिसंयंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने कोई छलनी रख दी और इसके ऊपर हमने जल रख दिया। अब सामान्यतः क्या होगा, ये जल जो है वो गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ जाएगा। लेकिन यदि हम इसके ऊपर पिस्टन लगा दें, यहां पर ये हमने पिस्टन लगा दी और इसके कारण यहां पर दबाव बन जाता है और दबाव के कारण ये जो छलनी है इसमें से जो जल है वो प्रेशर के साथ बाहर आएगा, तो इसको हम कहते हैं सॉरी परानिसंयंदन। तो ये समझ में आया परानिसंयंदन का मतलब क्या होता है, दबाव के कारण, दाब के कारण यदि कोई पदार्थ का छनन हो रहा है, निस्यंदन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं परानिस्यंदन। और यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, ये ब्लड अंदर आ रहा है और यहाँ पर ग्लोमेरुलस जो है उसके अंदर दबाव उत्पन्न हो रहा है और उसके कारण ये जो रक्त है, जल है, यूरिया है, उसमें निष्क्रिय सॉरी सक्रिय प्रभाव हो रहा है और ये आ रहा है बोमिन संपुट में। अब हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जो वृक्क होते हैं यहाँ से ये जो रीनल आर्टरी जाती है, वृक्क धमनी जाती है, ये दो कार्य करती है, एक तो यूरिया लेकर जाती है और उसके साथ ही इसके अंदर जो फैक्ट्रीज चलती हैं उनमें जो ईंधन लगता है वो भी लेकर जाती है, ईंधन यानी O2 लेकर जाती है। तो ये जो क्रिया होती है यहाँ पर ग्लोमेरुलस की यानी जो परानिसंयंदन क्रिया होती है इसमें केवल यूरिया पृथक होता है, जल पृथक होता है, आयन पृथक होते हैं, ग्लूकोज पृथक होता है, ऑक्सीजन नहीं निकलता है। अब ऑक्सीजन, अब तो नाम से पता चल रहा है अपवाही धमनी का, यानी ये क्या है, अभी धमनी है, यह अभी सिरा नहीं बनी है, यानी इसमें जो रक्त प्लेटलेट्स वगैरह RBC WBC आ रही हैं, रक्त कणिकाएं आ रही हैं, उनके साथ O2 अभी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो परानिसंयंदन होता है उसमें केवल ये जो पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, वो पृथक हो जाते हैं, लेकिन जो O2 है वो अभी शेष बची रह जाती है। तो अब ये कार्य करें लगातार तो इनको O2 की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये जो अपवाही धमनिका है, अब इसको पता चलता है कि मैंने ऑक्सीजन नहीं दिया है, तो यहाँ पर एक और केशिका का निर्माण करता है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी पदार्थ का यदि आवागमन हो रहा है तो वो किसके द्वारा होगा, केशिका द्वारा होगा, कभी भी सिरा या धमनी के द्वारा नहीं होगा। तो अब ये जो अपवाही धमनी है ये यहाँ पर केशिका का निर्माण करती है। अब जैसे यहाँ पर हम सिंपली डायग्राम बना रहे हैं केशिका का, वैसे तो ये जो केशिका होती है ये पूरे हेनले के लूप और यहाँ पर लिपटी हुई होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर लिपटाएंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, जब हम आगे पढ़ाएंगे ना तब लिपटा देंगे। अब यहाँ पर लिपटा नहीं रहे हैं क्योंकि डायग्राम बिगड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं ये यहाँ पर बना दी हैं। अब ये जो कैपिलरीज हैं ये क्या करती हैं, यहाँ पर ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका और जो हेनले का लूप है उससे ऑक्सीजन देती है। और अब तो हमें पता है ऑक्सीजन जब इससे निकल जाएगा तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ जुड़ जाएगी और ये बना लेगी सिरा। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो वृक्क सिरा होती है उसका एक छोटा पार्ट होता है, यानी जो 10 लाख नेफ्रॉन्स हैं उसी उनसे सभी से ये धम सिराएं निकलेंगी और वो आगे जाकर मिलकर एक सिरा बना लेंगी जिसको हम कहते हैं वृक्क सिरा, यानी वृक्क धमनी यहाँ से घुसती है और आगे जाकर सभी टूट जाती है। उसी तरह से जब वो सारी सिराएं आपस में जुड़ जाती हैं तो और यहाँ से निकलती हैं तो उसको हम कहते हैं वृक्क सिरा।
तो ये जो कैपिलरीज होती हैं ये यहाँ पर केशिकाएं होती हैं, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। और अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर जो परानिस्यंदन होता है उसमें केवल क्या होता है, यहाँ से जो जल, यूरिया, आयन और ग्लूकोज है वो निकल जाते हैं। अभी निकालना क्या है, केवल यूरिया निकालना है और बाकी के ये जो पदार्थ हैं ये हमें वापस ग्रहण करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें केवल यहाँ से वेस्टेज निकालना है, जो यूरिया है उसे ही निकालना है और कुछ मात्रा में जल निकालना है ताकि ज़्यादा हानि ना हो, क्योंकि हमें पता है यूरिया जो है वो जल में घुलनशील है, तो थोड़ा बहुत जल आवश्यक है। लेकिन जो आयन और ग्लूकोज है वो वापस से ग्रहण करने पड़ेंगे। तो ये जो कैप्सिकाएँ हैं ये इसके चारों तरफ लिपटी हुई होती हैं, तो ये जो आवश्यक पदार्थ हैं जल, आयन और ग्लूकोज ये वापस से इसमें अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो अभी तक समझ में आया, पहले क्या होता है यहाँ पर जो छिद्र होते हैं उनसे जो भी तरल पदार्थ होता है वो निकल जाता है, जल, यूरिया, आयन और ग्लूकोज सभी निकल जाते हैं। अब जब अभिवाहिनी धमनी आगे जाती है तो उसको पता चलता है कि मैंने अभी तक बहुत सारे काम नहीं किए हैं। एक तो जो कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीजन नहीं दी है, दूसरा जो हमने अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिए हैं जो आवश्यक पदार्थ, उनको वापस से ग्रहण करना है, तो ये क्या करती है वापस से इनको ग्रहण करती है। तो दूसरा स्टेप कौन सा हो गया, वर्णात्मक पुनरावशोषण, वर्णात्मक पुनरावशोषण। अब इसके नाम से पता चल रहा है पुनरावशोषण, अब इसे हम पुनरावशोषण क्यों कहते हैं, अवशोषण भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है आयन, ग्लूकोज और जल है उनका अवशोषण हो रहा है। तो हम इनको पुनरावशोषण क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि हम जो भी ग्लूकोज वगैरह जो भी खाते हैं, पानी पीते हैं, वो हमारे स्टमक में आता है, छोटी आंत में उसका पाचन होता है, और जो बड़ी आंत होती है उसमें जल, आयन होते हैं, उनका अवशोषण होता है। तो ये जो जल है H2O है, इसका अवशोषण बड़ी आंत कर लेती है और बड़ी आंत से ये रक्त में डाल दिए जाते हैं। अब यहां पर होता है इसका अवशोषण, जल, आयन और जो ग्लूकोज है यहां पर इसका अवशोषण होता है। अब ये रक्त में आ गए, अब ये रक्त से वापस निकल रहे हैं कहां पर, यहां पर ये जो वोमन संपुट है यहां पर दोबारा से निकल रहे हैं, और ये जो केशिका है ये उसे अवशोषण कर रही है। एक बार पहले अवशोषण हो चुका है डाइजेस्टिव सिस्टम में, अब दोबारा से ये त्याग कर रहा है और दोबारा से इसे ग्रहण कर रहा है, यानी दोबारा से इसका अवशोषण कर रहा है, पुनः अवशोषण कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पुनरावशोषण कहते हैं। इसके अलावा ये जो केशिका होती है इसमें कुछ अशुद्धि अभी भी शेष रह जाती है। एक बार फिर से अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं नीचे। इसमें क्या होता है, ये जो अभिवाहिनी धमनी है, अब यहाँ पर नाम नहीं दर्शा रहे हैं, वापस से घिचविच हो जाएगा। तो ये जो अभिवाहिनी धमनी है ये अपना रक्त लाती है ग्लोमेरुलस में। अब यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस होता है इसके आगे अभिवाहिनी धमनी होती है और ये सक्रिय होती है, तो यहाँ पर दबाव उत्पन्न हो जाता है और उस दबाव के कारण ये जो इसके अंदर जो तरल पदार्थ है जैसे जल, यूरिया, आयन और ग्लूकोज है वो किस में आ जाते हैं, वोमन संपुट में, और वो भी प्रेशर से आते हैं। तो इस पहले स्टेप को हम क्या कहते हैं, परानिस्यंदन कहते हैं, यानी यहाँ पर क्षरण हो रहा है और वो भी प्रेशर के कारण हो रहा है, दबाव के कारण हो रहा है। तो पहला स्टेप हो गया परानिस्यंदन। अब इस परानिस्यंदन में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, जैसे एक तो यहाँ पर जो रक्त जा रहा है, जो तरल भाग जा रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन नहीं जाता है, ऑक्सीजन अभी भी शेष रह जाता है। तो पहली कमी तो ये हो गई। दूसरी कमी ये हो गई कि जो आवश्यक पदार्थ है जैसे जल, आयन और जो ग्लूकोज है वो भी आवश्यक पदार्थ हैं और वो भी चले जाते हैं। और तीसरी कमी ये रह जाती है कि जो अपचित पदार्थ बड़े रह जाते हैं वो इससे निकल नहीं पाते हैं। तो इसमें तीन कमियां हो गई। तो ये जो अपवाहिनी धमनी है, धमनिका है, ये क्या करती है, आगे जाकर वापस से एक केशिका का निर्माण करती है। ये जो केशिका है ये पूरे नेफ्रोन के चारों तरफ लिपटी हुई होती है अच्छे से, यहां पर हमने वैसे ही बना दिए। इसको हम कहते हैं पेराट्यूबुलर कैपिलरी, यानी एक केशिका होती है। अब इस केशिका में क्या होता है, इस केशिका में जो ऑक्सीजन है वो इसकी सभी कोशिकाओं को दे दिया जाता है, जिससे ये रुधिर कैसा हो जाता है, अशुद्ध रुधिर हो जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है।
अब यहाँ पर जो जल आयन और ग्लूकोज है वो आवश्यक है हमारे, तो क्या करता है ये जो केशिका है, ये इन्हें वापस से अवशोषण कर लेती है, पुनः अवशोषण कर लेती है। तो सेकंड स्टेप हो गया वर्णात्मक पुनरावशोषण। और तीसरा स्टेप होता है कि ये जो केशिका है, यहाँ पर कुछ मोटे अपशिष्ट पदार्थ रह गए हैं, वो जब केशिका के अंदर आते हैं, जैसे ये केशिका के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं, अब इनका वापस से स्त्रावण होता है, यानी ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ये किस में जाते हैं, वापस से इस ट्यूब में जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्त्रावण कहते हैं, क्योंकि ये केशिका क्या कर रही है, इन अपशिष्ट पदार्थों को स्त्रावित कर रही है और ये इसे ग्रहण कर रहे हैं। तो तीसरा स्टेप हो गया स्त्रावण। तो ये तीन स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे, पहला स्टेप है परानिस्यंदन, सेकंड स्टेप पुनरावशोषण, और तीसरा स्टेप है स्त्रावण। सबसे पहले हम परानिस्यंदन को समझ लेते हैं, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को समझ लेते हैं। उससे पहले हम ग्लोमेरुलस की संरचना के बारे में देख लेते हैं, फिर इसको परानिस्यंदन को कंप्लीट करेंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा, जो नेफ्रॉन है वो किससे मिलकर बना होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है नेफ्रॉन के पार्ट्स कितने होते हैं। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है ग्लोमेरुलस, एक तो होता है ग्लोमेरुलस, और दूसरा होता है रेनल ट्यूब, यानी वृक्क नलिका। तो ये तो आपको पता है, ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं, वो जो अभी वाहिनी धमनी आती है वो आगे जाकर केशिकाओं का गुच्छा बना लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और दूसरा है वृक्क धमनी। अब वृक्क धमनी में कौन कौन आते हैं, ग्लोमेरुलस के अलावा जो नेफ्रॉन के पार्ट हैं वो सभी वृक्क नलिका में आते हैं, जैसे बोमेन संपुट, पीसीटी यानी समीपस्थ नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ नलिका। ये सभी किस में आते हैं, वृक्क नलिका में आते हैं। वृक्क नलिका ही होती है वो पूरी स्ट्रक्चर, जिसमें अवशोषण वगैरह स्त्रावण वगैरह होता है, वो सभी पूरी किस में आती है, वृक्क नलिका में आती है। तो ये वृक्क नलिका के चार पार्ट हो गए। अब ये जो ग्लोमेरुलस है और बोमेन संपुट है, इसको हम एक अलग नाम दे सकते हैं, जैसे ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया और इसके नीचे होता है हमारा बोमेन संपुट। तो इन दोनों को मिलाकर हम एक नाम दे सकते हैं विशेष, इसको हम कहते हैं मैलपिगी काय। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन संपुट क्या होगा, इसका नाम मैलपिगी काय। तो यहाँ पर हमने एक बार फिर से ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट यानी मैलपिगी काय का संरचना बना ली है। अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है, इसमें हमें पता है क्या होता है, ये केशिका होती है, एक प्रकार की केशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसमें जो तरल भाग है रुधिर का उसका आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान नहीं होता है, केवल यहां से नीचे आता है प्रेशर के साथ। तो ये क्या हो गया, कैपिलरीज हो गई, केशिकाओं का गुच्छा हो गया। और हमें पता है कि जो केशिकाएं होती हैं वो सिंगल सेल होती है, यानी उनमें ज्यादा परतें नहीं पाई जाती है, केवल एक परत पाई जाती है सेल की, जैसे हमने पढ़ा है ये कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज में केवल एक सेल की लेयर होती है, और शिरा और धमनी होती हैं उनमें कई सारी लेयर्स होती हैं। तो ये जो केशिकाएं हैं ये एक केशिका एक कोशिका की परत है, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, एपिथीलियम कोशिकाएं। हमें पता है जो भी स्पेस फ्री स्पेस में पाई जाती हैं वो, ये भी फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमें पता है रक्त बहता है, जो यूरिया युक्त रक्त बहता है वो इसके अंदर से ही बहता है। तो ये कौन सा हो गया, फ्री स्पेस हो गया। और हमें पता है कि फ्री स्पेस में हमेशा एपिथीलियम सेल्स पाई जाती है, जैसे हमारे शरीर की बाह्य त्वचा जो अधिचर्म की बनी होती है उसमें भी एपिथीलियम सेल्स ही होती हैं।
वो भी फ्री स्पेस में होता है। तो जो भी फ्री स्पेस में जो भी सेल्स होती हैं, सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो एपिथीलियम की होती है, और यहाँ पर तो लेयर ही एक है, एक ही कोशिकाओं की लेयर है, तो वो किसकी होगी? एपिथीलियम कोशिकाओं की हो गई। और हमें पता है कि जो एपिथीलियम कोशिकाएं हैं वो मृत कोशिकाएं होती हैं, और मृत कोशिकाओं में यानी उन तक क्या नहीं पहुंचता है? रक्त वाहिकाएं नहीं पहुंचती हैं। तब उनको पोषण प्राप्त करने के लिए कहाँ से करेंगी? तो यहाँ पर एक और लेयर पाई जाती है, सॉरी, बाहर की साइड एक और लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं बेसमेंट लेयर। तो यहाँ पर ये जो एपिथीलियम सेल्स हैं इनके चारों तरफ एक और कोशिका की लेयर पाई जाएगी, हालांकि वो कोशिकाओं की लेयर नहीं होगी, ऐसे ही एक लेयर होगी जो पोषण प्रदान करेगी। ये जो ब्लैक में दर्शा रहे हैं ये कौन सी है? बेसमेंट लेयर है। इसी तरह से जो कोशिकाएं हैं उनके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बेसमेंट लेयर कहते हैं। और ये जो स्क्वायर एपिथीलियम सेल्स होती हैं इनको हम एक और अलग से नाम दे सकते हैं, एंडोक्राइन, सॉरी, एंडोथीलियम। इनको हम कह सकते हैं एंडोथीलियम। और ये जो एंडोथीलियम होती हैं जो ग्लोमेरुलस में पाई जाती हैं, ये एक विशेष प्रकार की एपिथीलियम कोशिकाएं होती हैं, एंडोथीलियम सेल्स होती हैं। इनके अंदर महीन महीन छिद्र होते हैं, इन छिद्रों का व्यास होता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी ये छिद्र इतने महीन होते हैं कि इनसे रक्त कणिकाएं नहीं निकल सकती हैं, केवल रक्त का जो तरल भाग है वही निकल सकता है। इन छिद्र को हम कहते हैं फेंसेटा। तो हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? अभी हम बताएंगे ये जो प्रेशर इसके अंदर बना है उससे जो तरल रक्त का तरल भाग बाहर निकला है वो किसके माध्यम से निकलता है उसके बारे में बात करें। तो वो तरल भाग कहाँ से निकलेगा? ये जो फेंसेटा है, ये जो छिद्र है महीन महीन 0.1 सेंटीमीटर के, यहाँ से वो तरल भाग निकलेगा और सबसे पहले पार करेगा एंडोथीलियम को, एपिथीलियम जो सेल्स हैं उनको पार करेगा, उसके बाद में बेसमेंट सेल को पार करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो निस्यंद बाहर निकलेगा, ये जो बाहर निकलने वाला रक्त का तरल भाग है जिसमें यूरिया तरल जल, यूरिया और आयन और ग्लूकोज होते हैं, उनको हम पूरा मिलाकर एक नाम देते हैं निस्यंद। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं निस्यंद जो है वो कहाँ कहाँ से लेयर को पार करके निकलेगा। तो सबसे पहली तो हो गई ये यहाँ पर जो एपिथीलियम सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम एंडोथीलियम कहते हैं, तो पहली तो हो गई एंडोथीलियम। तो ये समझ में आ गया एंडोथीलियम में से निकलेंगी। उसके बाद में एंडोथीलियम की चारों तरफ एक और लेयर होती है जो उसे पोषण प्रदान करती है, वो कौन सी हो गई? बेसमेंट लेयर। अब इसके बाद में तीसरी एक और लेयर आएगी, वो लेयर होगी बोमेन संपुट। ये जो बोमेन संपुट है इसकी लेयर होगी। अब ये जो बोमेन संपुट है ये भी हमें पता है, जो बोमेन कैप्सूल है ये भी फ्री स्पेस में ही है। तो फ्री स्पेस में जो इसके चारों तरफ जो कोशिकाएं पाई जाएंगी वो कौन सी होंगी? एपिथीलियम कोशिकाएं होंगी। और ये जो एपिथीलियम कोशिकाएं हैं ये थोड़ी विकसित होती हैं, यानी थोड़ी अजीब टाइप की होती हैं। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमारी एपिथीलियम सेल हो गई। इन एपिथीलियम सेल्स के पैर होते हैं, जैसे हम इसको कलर करें तो इसके पैर होते हैं, और ये जो पैर हैं ये इस कोशिकाओं को पकड़े हुए होते हैं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं पोडोसाइट, नाम से पता चल रहा है पैर हैं तो इनको कहते हैं पोडोसाइट। पोडो यानी पैर और साइट यानी सेल्स। तो ऐसी सेल्स जिनके पैर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स होते हैं। ये जो पैर होते हैं ये कोशिकाओं को पकड़े हुए होते हैं, जैसे मान लो ये कोशिका हो गई हमारी, यहाँ से हमारा रक्त बह रहा है। अब ये जो पोडोसाइट्स होती हैं ये कुछ इस तरह के पैर होते हैं और ये इस प्रकार से पकड़े हुए होती हैं, और इनके बीच में स्पेस होता है, ये दोनों है ना, इनके बीच में स्पेस है। जैसे ये पोडोसाइट्स के पैर हैं और ये पकड़ रखी है, तो यहाँ से ये जो वाला स्पेस है, ये वाला इन दोनों पैरों के बीच का जो स्पेस है इनको कहते हैं स्प्लिंट पोड, स्प्लिंट पोड। तो ये जो इन दोनों के बीच का स्पेस है इसको हम कहते हैं स्प्लिंट पोड। तो यहाँ पर हम तीसरा लिख सकते हैं,
निस्यंदन जो निस्यंद जो जिन लेयर को से गुजरेगा उसमें तीसरी है पोडोसाइट। ये जो पोडोसाइट्स होती हैं ये कुछ इस तरह की नहीं दिखती, अगर हम इसको अलग तरीके से देखें मतलब फ्री देखें यानी केवल इस सेल को ही देखें तो ये कुछ इस तरह की होगी। और ये जो पैर हैं, अब यहाँ से जो कोशिका निकलेगी, सॉरी केशिका निकलेगी, कैपिलरी निकलेगी, तो ये दोनों पैर आपस में जुड़ जाते हैं और इनके बीच में एक स्पेस बनता है जिसे हम कहते हैं स्प्लिंट पोड। जैसे हम मान लेते हैं हम ऊपर से देखते हैं इसको, ये पकड़ रखा है इसको ऊपर से देखते हैं, यहाँ से हम इसका देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो अगर हम ऊपर से देखेंगे इसको तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये कोशिका एक ही है। अब यहां से ये जो केशिका है वो यहां से निकल रही है और इसके ऊपर ऐसे इन्होंने पकड़ रखा है। तो ये समझ में आ गया आपको संरचना कि इन्होंने ये जो पोडोसाइट्स होती हैं ये कैसे पकड़ कर रखती हैं। तो एक ही कोशिका है, ये नीचे से घूमकर ऊपर आ रही है और ये पैर आपस में जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो स्पेस है खाली वाला, इसे हम कहते हैं स्प्लिन पोड। तो समझ में आ गया, यहाँ पर ये जो स्प्लिंट पोड है इसके नीचे जो कोशिका पाई जाती है एपिथीलियम, एंडोथीलियम जो कोशिका पाई जाती है उसके अंदर छेद होते हैं, यहां से वो रक्त का जो पार्ट है वो निकलेगा। मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो निस्यंद है वो किन किन लेयरों से होकर गुजरता है। तो पहली तो एंडोथीलियम, ये तो आपको समझ में आ गई होगी, जो फ्री स्पेस में पाई जाती है उसे हम एपिथीलियम कहते हैं, और जो ग्लोमेरुलस में पाई जाती है वो थोड़ी अलग ही प्रकार की पाई जाती है, उनको हम नाम दे सकते हैं एंडोथीलियम। अब जो एंडोथीलियम है उन तक रक्त वाहिनी नहीं पहुंचती है, तो जो बेसमेंट लेयर होती है ये हालांकि नॉन सेलुलर लेयर है यानी ये कोशिकाओं रहित सेल है लेयर है, लेकिन ये क्या करती है इसमें रक्त वाहिनियां होती हैं और ये इसको पोषण प्रदान करती है। तो लेयर में तो ये भी आएगी, सबसे पहले रक्त कहाँ से निकलेगा, इसके अंदर जो केशिका है उसके अंदर बह रहा होगा, तो सबसे पहले तो जो एंडोथीलियम में फेंटाज हैं उनसे रुधिर प्रेशर से निकलेगा, उसके बाद में बेसमेंट लेयर है उसको पार करेगा, अब लास्ट में जब बोमेन संपुट में घुसेगा तो बोमेन संपुट में कैसे घुसेगा, यहाँ पर पोडोसाइट्स पाई जाती हैं उनमें जो पैर पाए जाते हैं वहां से तो निकल नहीं सकता, उनके बीच में जो स्पेस होता है जिसे स्प्लिंट पोड कहते हैं वहां से निकलता है। अब निकलने के बाद क्या होगा, अब यहां से जब जो तरल भाग है वो निकल जाएगा यानी निस्यंद जब बाहर आ जाएगा, फिल्ट्रेट बाहर आ जाएगा, जैसे इसमें आ गया, इसमें जल यूरिया आयन और ग्लूकोज आ गया, तो ग्लूकोज हम जब भोजन खाते हैं तो वो भोजन क्यों खाते हैं, ग्लूकोज को प्राप्त करने के लिए खाते हैं। और यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है ये वेस्ट में जा रहा है, यूरिया के साथ जा रहा है, तो वो हमारी जो ब्लड सेल्स हैं यानी जो केशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, वो ग्लूकोज को बाहर नहीं जाने देंगी और यहाँ पर फिर से क्या बनाएंगी, केशिका बनाएंगी, जैसे ये केशिका का निर्माण कर लेती हैं। अब इसके अंदर जो ग्लूकोज, जल और आयन्स हैं उनको तो ये वापस से ग्रहण कर लेती है, ऑक्सीजन को इसमें डाल देती है, और कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं जो यहाँ पर बाहर नहीं निकलते हैं, तो उन उत्सर्जी पदार्थों का स्त्रावण कर देती है। तो इस वीडियो हमने क्या जाना है, इस वीडियो हमने ग्लोमेरुलस की संरचना के बारे में जान लिया और हमने ये जान लिया कि यूरिया का निर्माण में कितनी विधियां काम आती हैं, यूरिया निर्माण कितने चरणों में संपन्न होता है, उसमें से पहले चरण का हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, अगली वीडियो में पहले चरण को अच्छे से समझ लेंगे। धन्यवाद।